Hi, my name is Ishwara and aaj hum aaye hain Darzi Baran Kitchen. It's located in CP. You can take an exit from gate number 2 or 1, maybe both are the same. And this is located in H block or walking distance pe, maximum 3 to 4 minutes. And aaj main yahan pe yahan ka bahut sara khana try karne wali hu, to dekhte hain kaisa hota hai inka khana. Aur main yahan pe ek bar pehle bhi aayi thi, mera us time ka experience bahut acha nahi raha, to isliye maine socha ek bar dobara aate hain aur baki yahan ka khana khayenge aur dekhenge ki kaisa hai. Usse pehle do remember to subscribe to my channel. This place is extremely beautiful. This is the outside rooftop seating and I'll be taking you in. So we will be going inside and seeing what's on the second floor. Now let's go to the first floor. The ambience is extremely beautiful. Puri darzi ki theme hai yahan pe. Aur ye inka first floor hai. The ambience is extremely lit over here and this is their bar counter. तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी दर्जियों की मशीन्स रखी हुई हैं और ये पूरे सेकंड फ्लोर तक एक्सटेंड होती हैं, बहुत ही सारी मशीन्स हैं और एम्बियंस बहुत अच्छा लगा मुझे पर्सनली और यहाँ का खाना भी अच्छा है. सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द आउटलेट. एज यू कैन सी ओवर हेयर इट्स रिटन द दर्जी बार एंड किचन एंड यू कैन सी अ लॉट ऑफ थ्रेड्स लाइंग ओवर हेयर. नाउ वी विल बी गोइंग टू द दर्जी फोटोशूट एरियाज, द दर्जीज ट्रायल रूम. तो यहाँ पे जितनी मर्जी फ़ोटो चाहो खिंच सकते हो. और हाय, यहाँ पे बहुत सारे धागे हैं. ये है अचारी पनीर पिज्ज़ा और बहुत ज़्यादा टेम्प्टिंग लग रहा है. बाकी चलो चीज़ पुल करते हैं. दिस ओके लुक्स रियली नाइस. चीज़ पुल भी बहुत अच्छा था लेकिन अभी ये थोड़ा गर्म है. बहुत चीज़ी है, टेस्ट बहुत अच्छा है, बेस बहुत पतला है इसका, टॉपिंग्स बहुत अच्छी हैं और इसमें पनीर है, अनियन है, कैप्सिकम है और बेल पेपर्स हैं. बेल पेपर्स हैं सारी.
दिस इज अरन चीनी और देखते हैं इसके अंदर क्या है. मुझे उसे बिना बताया कि इसमें चीज़ है. चीज़ तो मुझे लेकिन दिख नहीं रहा. इसमें मशरूम्स हैं, कैप्सिकम है, अनियन है और वेजिटेबल्स हैं. राई भी है इसमें. लेट्स सी हाउ इट टेस्ट. बहुत गर्म है. थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर है. आई वुड रेट दिस 3.5/5. इट्स गुड इफ यू लाइक इंडियन फ्लेवर्स मोर यू लव दिस बिकॉज इसमें पूरी वेजिटेबल. जो अरहर चीनी चीज़ बॉल्स थी उसका जो चीज़ था मुझे नहीं लगा वो पूरा ढंग से मेल्ट हुआ था और उसमें मशरूम का ज़्यादा फ्लेवर था. मैं फ़ैन नहीं हूँ मशरूम की और वो उसमें मैक्सिकन फ्लेवर था बट मुझे वो मोर लाइक इंडियन लगा क्योंकि जैसे घर में सब्जी नॉर्मल बनती है आलू टाइप की वैसी सी लगी और मुझे मज़ा नहीं आया सिर्फ वो खा के. मुझे सब कुछ अच्छा लगा और अब मैं ट्राई करने वाली हूँ यहाँ पे मैगी. अब हम ट्राई करेंगे मैगी. इसमें दाल मखानी वाली सॉस है. ये बिल्कुल अंदर से तो गर्म है ऊपर से तो बिल्कुल ठंडी हो गई है. मैगी बहुत टेस्टी है और आई विल रेट दिस 5/5. तो ये है बटाटा वड़ा और इसको देखते हैं कैसा है. इसकी फिलिंग देख लेते हैं पहले. ओके दिस लुक्स सो टेम्पटिंग एंड सो डिलिशियस. बाकी खा के पता चलेगा. मुझे तो बहुत भूख लग रही है. सुबह से कुछ नहीं खाया. साउथ इंडियन फ्लेवर बिल्कुल. आलू फ्राइड है. मोर लाइक आलू की सब्जी बट कुछ डिफरेंट है और वो डिफरेंट बहुत अच्छा लग रहा है इसमें. और फ्रेंच फ्राइज. ये है अमृतसरी मच्छी और इसको हम खाएंगे और देखते हैं कैसा है. देखने में तो बहुत टेम्पटिंग लग रही है. फेल. एपिक फेल्स. बहुत टेस्टी. इट्स वेरी हॉट एंड इट हैज़ बीन डीप फ्राइड तो इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आ रहा है खाने में. एंड इट्स अ बिट डिफरेंट जो आपको हर जगह मिल जाती है उससे थोड़ा हटके है. दिस इज मुर्ग टिक्का. चिकन टिक्का. टेस्ट अच्छा है. ब्राउनी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है और आइसक्रीम भी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है. मेरा यहाँ का इस बार का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मैं आपको रिकमेंड करूँगी अगर आप मैगी लवर हो तो मखानी मैगी ट्राई करना वरना मत करना क्योंकि प्राइसेस थोड़े ज़्यादा हैं हर चीज़ के. बिकॉज ऑब्वियसली इट्स बेस्ड इन सीपी तो इनका किराया वगैरह भी ज़्यादा ही होगा. और द प्लेस इज़ रियली नाइस. द एम्बियंस इज़ अमेजिंग. द स्टाफ वॉज रियली गुड एंड द फूड वॉज रियली नाइस ऑब्वियसली.